हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं योगिता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रेड मसाला, उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने क्या क्या लिया है। दो प्याज लिए हैं काट के, और दो सीक्रेट है वो आपको लास्ट में बताऊंगी। एक शिमला मिर्च है, दो टमाटर है, धनिया पत्ता है, अदरक लहसुन पेस्ट और ब्रेड। मसालों में देखते हैं, जीरा है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला, और ये चीज और बटर लिया है हमने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई रखी थी गर्म होने के लिए, अब उसमें एक चम्मच बटर डालेंगे। सिर्फ बटर डालने से जल जाता है, इसीलिए मैं उसमें दो तीन चम्मच तेल डालूंगी। एक बड़ा चम्मच बटर लिया था मैंने, तो तीन चम्मच तेल डाल रही हूँ। ज़्यादा भी तेल डालना नहीं है, और उसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो तेल और बटर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम उसमें जीरा डालेंगे। एक चम्मच जीरा डाली हूँ मैं। अब उसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। अब उसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। फिर मिक्स करेंगे सब चीजों को, और हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है। अब हम उसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, और शिमला मिर्च और प्याज को भी और एक मिनट भून लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से भून चुका है। अब हम उसमें डालेंगे टमाटर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, और दो मिनट के लिए ऐसे इसको छोड़ देंगे। आप देख सकते हो मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि स्वाद अच्छा आता है। मिला ले सभी चीज़ों को अच्छे से, और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। मिला ले और एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपके टेस्ट अनुसार डालिए। मिला ले अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच चीज। मिला लीजिए अच्छे से। चीज डालने के बाद इसको हम एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप देख सकते हो चीज इसमें कितना बढ़िया से मिक्स हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए, हमारा मसाला रेडी हो गया। मैंने तवा रखा था गैस पे गर्म होने के लिए, अब तवा गर्म हो चुका है। अब हम उसमें डालेंगे एक चम्मच बटर। ब्रेड डालेंगे। ब्रेड को अच्छे से बटर लगा लीजिए, और इसको एक मिनट के लिए ऐसे सेक लेंगे। हमारा ब्रेड अच्छे से सेक चुके हैं। अब इसे पलटेंगे। देखिए, लग रहे हैं ना एकदम गोल्डन, बढ़िया सा, एकदम क्रिस्पी।
और एक मिनट के लिए ऐसे ही इस साइड से सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे ब्रेड अच्छे से सिक चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए हम ब्रेड में मसाला भरते हैं। ब्रेड रखे सबसे पहले, मैं यहाँ 4 ब्रेड रख रही हूँ। एकदम बढ़िया ब्रेड मसाला बनकर तैयार हो जाता है ये, बस खाते ही रह जाओगे आप। मसाला डालें सबसे पहले, मैं यहाँ मसाला थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, आपकी पसंद से आप ज्यादा भी डाल सकते हो। फैला ले अच्छे से, अब हम इसमें कटा हुआ थोड़ा प्याज डालेंगे। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप ना डालें। अब इसमें चीज डालेंगे, अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ मैं धनिया पत्ता। अब इसमें हम जो सीक्रेट बोली थी पहले वो हम डालेंगे। चलिए हम अब इसमें सीक्रेट डालते हैं, वो है नमकीन। आप भी सोच रहे होंगे कि नमकीन क्या सीक्रेट है। अब हम इसमें डालेंगे दूसरा सीक्रेट, वो है टमाटर केचप। एक एक चम्मच डाल रही हूँ मैं, आपको अगर ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हो। सीक्रेट वाली बात तो ऐसे ज्यादा है नहीं है, लेकिन टमाटर केचप और नमकीन डालने से टेस्ट ही कुछ अलग आती है। अब हम इस पे दूसरे ब्रेड लगा लेंगे, दबाया अच्छे से। दिख रहा है ना, बढ़िया। लीजिए, तैयार हो गया हमारा ब्रेड मसाला। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।